हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दशहरा हो गया है, एकादशी भी हो गया है मेरा। यानी एकदम ना व्रत कर करके अब हो गया हालत खराब कि बस अब थोड़ा सा गैप चाहिए। और जो मेरे आजू बाजू है ना, वो लोग भी बहुत परेशान हो गए कि आप कितना व्रत करती है। तो अभी संडे तक यानी छुट्टी है, क्योंकि संडे के दिन फिर करवा चौथ है, तो वो तो करना ही करना है। और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मॉर्निंग ही यश के पापा चले गए थे यानी ऑफिस अपना गए हैं वो। और वो जाने के बाद फिर तो ब्रेकफास्ट और लंच तो सुबह ही बन जाता है उनके साथ ही। हाँ, बट मैं कुछ सोच रही थी कि सब्जी वगैरह कुछ बना लूँ, क्योंकि सब्जी नहीं बनाई थी। और यश अपना अंदर रूम में है, थोड़ी सी मस्ती कर रहा है मोबाइल के साथ, तो थोड़ा मुझे उसका क्लास लेना है अभी। यानी मैं जाके उसका बुक्स चेक करूंगी कि मैथ्स और सोशल उसको कंप्लीट करना है नोट्स। और 12 बजे यानी सुल्तान का फर्स्ट ट्रिप हो गया है, सेकेंड ट्रिप में मुझे उसको देना है खाना। तो मैंने उसका वेजिटेबल्स बॉइल करके रख दिया था। और सुल्तान इसलिए टाइम देख के वो वेट करता है कि टाइम होते ही, यानी उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि उसको भूख लगी है, तो वो आ गया है मेरे पास बैठ, देखिए वेट कर रहा है, यानी इंडिकेशन दे देता है सुल्तान। सी या से हेलो, हेलो बोल दो सुल्तान। ये देखो ये देखो ये देखो सुल्तान को, तो सुल्तान को भूख लगी है, सुल्तान को देना है खाना। और अभी मैं जाऊंगी किचन में, उसका वेजिटेबल बॉईल कर दिया मैंने, तो वो मेरे पीछे पीछे ही रहेगा। और उसको मैं देती हूँ 12 to 12:30 के बीच में, तो अभी मैं उसको खाना उसका भिगा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा उसका जो खाना है यानी सोक करने में टाइम लगता है, तो 10 to 15 मिनट्स लगता है। तो मैं पहले उसका खाना सोक कर देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बैक। वैसे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, आज उपमा बनाई थी मैं ब्रेकफास्ट में, तो उपमा मैंने यश के पापा को भी उपमा ही दे दिया था। और थोड़ा सा मैं फिर तभी ज़्यादा बना देती हूँ कि बार बार फिर मुझे बनाना ना पड़े, क्योंकि मुझे और दूसरे काम करने थे, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना मुझे कल के लिए, तो आज ही से उसका प्रिपरेशन है। यानी ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो सब मैं कर रही थी बीच में मीन वाइल। और फिर मैंने बोला कि चलो अब डेली व्लॉग्स डालना है, बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, तो चलिए पहले मैं सुल्तान का खाना भिगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बैक। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे पूजा हो चुका है यानी ये देखिए ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि मैं अभी छू नहीं सकती हूँ। अभी यश और यश के पापा ही करेंगे 3-4 दिन तक, तो ये तब तक वो वैसे ही रहेगा मैसी सा। और फिर बाद में चलो ठीक है, हम लोग कुछ तो कर देते हैं, ऐसे सेटिस्फेक्शन होता है। और मैं यहाँ पर आई हूँ सुल्तान का खाना लगाने, और बर्तन मैं सुबह मांझ के रख दी थी। और ये यहाँ पे है सुल्तान का खाना, यानी कुकर के अंदर उसके वेजिटेबल्स मैं डेली बॉईल करके देती हूँ, क्योंकि अभी वो बच्चा है ना, सिर्फ जस्ट अभी 4 मंथ्स का है, तो उसको हम लोग पम्पकिन और गाजर और सोयाबीन सब देते हैं। ये देखिए, तो इसको मैं अभी मैश कर दूंगी और ये उसको 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम लोग उसको देते हैं आफ्टरनून में 12 बजे, 5 बजे और रात के 9 बजे। तो थोड़ा थोड़ा मैं करके देती हूँ, और साथ में उसका फूड भी होता है। तो चलिए पहले मैं इसको मैश कर लेती हूँ, हटा देती हूँ पूरे बर्तन, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइम यानी स्पेस हो जाएगा उसका खाना रखने के लिए। तो चलिए किचन में अभी एक सुल्तान का खाना मैश करना है, तो मैं पहले बाल बांध लेती हूँ। और ये देखिए मैंने क्या पहन रखा है, ये शायद आपको लग रहा होगा कि ये स्काउट्स एंड गाइड्स का, यानी जो एनसीसी में रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, कप्स बुलबुल्स जिनको बोलते हैं, तो उनका सेम टू सेम ऐसा ही ड्रेस होता है, एक फ्रॉक टाइप का ब्लू कलर का, डार्क नेवी ब्लू, तो वो वैसा ही लग रहा है। यश के पापा मुझे चिढ़ाते हैं कि तू बुलबुल बन गई फिर से। तो ये तो बस ऐसे ही टॉप ले लिया था, एक्चुअली ये 2019 का टॉप है, जब हम लोग कहीं बाहर ट्रिप में जा रहे थे तो तब मैंने लिया था, तो बोलते कि एकदम बुलबुल जैसे टॉप ले लिए तू। तो चलिए ठीक है, बुलबुल बन गए हम, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सुल्तान का देखिए खाना कैसे मैं करती हूँ। तो ये देखिए ये खाना है, और ये पाव भाजी का जो हमने पास रहता है उससे मैं इसको मैश कर देती हूँ, ताकि उसे इजी हो जाए, क्योंकि उसके डेली ना डेली है ना मीन्स अभी 4-5 दिन पहले एक दांत टूटा था, और उसका कल भी एक दांत निकला है, तो
तो उसको फिर चबाता नहीं है, बस वो ऐसे ही चाट चाट के खा लेता है। तो इसलिए मैं उसका खाना थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती हूँ। फर्स्ट तो कुकर में बॉईल कर देती हूँ 4 विजल्स लगा के, और फिर बाद में ऐसे इसको मैश कर देती हूँ ताकि उसको खाने में इजी हो। तो ये देखिए ऐसे मैंने इसको मैश कर दिया है, आपको दिख रहा है कि नहीं, किधर से दिखाऊं? हाँ देख लीजिए, ऐसे मैंने मैश कर दिया, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। और मैं उसको अभी भिगा देती हूँ उसका फूड। देखिए सुल्तान भी आ गया अपना ट्रीट लेने के लिए। चलो अभी खाना तुम्हारा भीगेगा, उसके बाद तुमको खाना खाना करना है, ठीक है? वेट वेट, ये देखिए मेरा सुल्तान वेट कर रहा है अपने खाना के लिए। कब उसको खाना मिलेगा? तो तब तक वो धूप सेक रहा है, क्योंकि धूप 2-3 दिन से बारिश इतना हुआ और उसको बाहर हम लोग जाने नहीं देते बारिश में, तो वो हल्की सी धूप आई है तो वो बैठा है। चलो अच्छा है। और अभी देखिए मुझे कपड़े भी धोना है, काम वाली मेरी भाग गई है तो मुझे ही कपड़े धोना है। और सुल्तान का यहाँ पे खाना मैं लगा दी हूँ, ये थोड़ा सा भीग जाएगा तो तब उसको दे दूंगी। और चलिए मेरे को यहाँ पे अभी कुछ काम करना था, कंप्यूटर भी ऑन करके यश चले गया है बाहर। तो गाइज मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े लेके बाहर से, 2 दिन से बारिश ही हो रहा था तो कपड़े सूख नहीं रहते, तो आज देखिए थोड़ा सा कपड़े लग रहा है कि मुझे सूख गए हैं, तो वही मैं कपड़ा फोल्ड करके रख दे रही हूँ। फिर कपड़ा क्या है ना, अपनी जगह पे हो तो इन लोगों को फिर घर में मीन्स टाइम से मिल जाता है इजीली, नहीं तो फिर चिल्लाते रहते हैं नीलम नीलम हमारा कपड़ा कहाँ है, नहीं मिल रहा है, शॉर्ट नहीं मिल रहा है, टी शर्ट नहीं मिल रहा है। तो यही देखिए ये बेडशीट मैं फोल्ड कर रही हूँ अभी, ये सब सूख चुका है। बट मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि 1-2 कपड़े अभी भी थोड़े से अंदर से सिमसिम है, यानी कि ठंडे हैं, तो उनको फिर से मैं पीछे बैग की आड़ में डाल दूंगी, वहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही है तो वहाँ पे वो सूख जाएगा। और ये देखिए ये सब मैं कपड़े सब फोल्ड करके रख दी हूँ। और सुल्तान मेरे पास ही बैठा था, वो अपना फूड का इंतज़ार कर रहा था। और ये देखिए ये मुझे कपड़े लग रहे थे कि थोड़े से अभी, तो ये देखिए गाइस सुल्तान अपना खाना खा रहा है। और इसके बाद इसकी एनर्जी देखना कितनी डबल चार्ज रहती है, और मुझे आपको दिखाना था। और ये देखिए ये है प्याज, ये प्याज का छिलका, प्याज नहीं है ये प्याज का छिलका है। और अगर आपको प्याज के छिलके का बोरी, ऐसे वाला बोरी आता है प्लास्टिक वाला, और जो प्लांटिंग करता है तो इसे ज़रूर रखना, क्योंकि पॉट के नीचे ये रखा जाता है। जब हम लोग होल्स करते हैं पॉट में वाटर ड्रेन के लिए, तो वो होल्स के ऊपर ये रखा जाता है ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो नीचे होल्स के थ्रू डायरेक्टली बहन आ जाए, ये उसका सपोर्ट रहता है। तो इसको रखिए, ये देखिए कितना बड़ा है, आपको 10 यानी 5 पॉट्स में तो आ ही जाएगा, 10 पॉट्स नहीं 5 पॉट्स में तो ये मैं रखती हूँ स्टोर करके। और ये इस छिलके का करना क्या है, इसको हम एक बाउल में डाल देते हैं, और एज़ यूजल यानी ये मैं शायद कभी कभी बताती हूँ आप लोग को, और जो नए जुड़े हुए हैं वो लोग भी देख लीजिए। तो इसको ऐसे आप रख लीजिए और पानी भर के इसको 24 आवर्स तक ऐसे ही रख दीजिए,
जब इसमें से छिलका में से एक रेडिश कलर निकल जाएगा 24 आवर्स के बाद ये निकलेगा ही, तो इसका तो फिर हमें क्या करना है, ये छिलका को बस ऐसे स्क्वीज करके छिलका हटा देना है और ये पानी आप अपने पेड़ों में यूज कर सकते हो। और ये बट तुलसी जी में मत डालना, क्योंकि प्याज वगैरह हम लोग का रिचुअल्स रहता है, तो तुलसी जी में मैं नहीं डालती हूँ और बाकी मनी प्लांट में दूसरे पेड़ों में डालती हूँ। और ये साबुन और ये हैंड वॉश सब कुछ मैंने ऊपर रखा है, नीचे नहीं, क्योंकि आपको पता है सुल्तान भाई साहब क्या करेंगे इसका हालत, वो खा जाता है, इसलिए मैं इसको यहीं पर रखती हूँ। और इसे भी मैं रख दी हूँ अभी यहाँ पर। और फिलहाल मैं अभी लंच की तैयारी के लिए आई हूँ। लंच के लिए मैंने जैसे सिंपल राइस मैंने बना के रखा है, तो यश बोल रहा था कि मम्मी बस उसे फ्राई कर दो, तो वेजिटेबल यानी सब डाल के, वेजिटेबल यानी जो भी है, तो मैंने सोयाबीन सोक कर लिया है और अनियंस काट के, टमाटर तो अभी नहीं है मेरे पास, तो हरी मिर्ची और सब मसाला डाल के मैं बना दूंगी। और ये देखिए सुल्तान का हो चुका है, और सुल्तान के साथ अभी खेलना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, वो सोने लगता है ना, तो फिर बच्चों की ग्रोथ नहीं होती। तो उसके साथ मैं अभी 5 मिनट्स तक बॉल खेलूंगी और फिर उसके बाद में फिर यश का लंच बना दूंगी। ये देखिए शुरू हो गया है, इसका ढूंढा डांडी शुरू हो गया है, सब खोजबीन शुरू हो गए, बन गया है CID ऑफिसर फिर से खाने के बाद। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए, तो वही राइस का मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दिया, ऑयल हीटअप हो गया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया है जीरा, और ये मैंने 2 प्याज को स्लाइस कर दिया है, तो प्याज को भी हम उसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से लाल होने देंगे। तो प्याज को भी स्टीर कर लीजिए, रेड होने तक वेट करिए। मीनवाइल हम इसमें ऐड कर लेते हैं हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार और जो खाता हो उस हिसाब से अपना ऐड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ऐड कर लिया है, तो उसको भी हम लोग स्टीर कर लेते हैं ऑयल में, और बहुत टेस्टी बनता है। और अगर जैसे कभी मन ना हो कि सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, सब हेक्टिक सा लगे, तो आप ऐसे कर सकते हो ओनली राइस के साथ। तो अभी मैंने ऐड कर लिया है गाजर यानी कि कैरेट, मेरे पास सिर्फ कैरेट ही था, टमाटर और बीन्स ऐसे कुछ भी नहीं था, तो मैंने सिर्फ कैरेट ही डाला है। तो इसमें ऑनियंस है, आप पोटैटो भी डाल सकते हो, और अभी मैंने ऐड कर दिया है सोयाबीन, यानी कि ये न्यूट्रेला है, ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है, बच्चों को देना भी चाहिए, तो इसको भी मैं ऐड कर लेती हूँ। और यश भी बहुत अच्छे से खा लेता है। और मैंने थोड़ा सा ये क्लिप यहाँ पे शायद मैं भूल गई आप लोगों को बताना, ये शायद डिलीट हो गया था मुझसे, तो मैंने इसमें बेसिकली जो भी हमारे मसाले होते हैं ड्राई मसाले सूखे, वो मैंने ऐड कर लिया है, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, धनिया
और हैदराबादी गरम मसाला और जीरा पाउडर अभी मैंने ऐड किया है। और अभी इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच सॉल्ट ऐड किया है और सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए मसाला और प्याज और वेजिटेबल्स सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आपके पास और वेजिटेबल्स हो तो आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। और अब मैं ऐड कर दूँगी इसमें राइस। तो राइस को ऐड करने के बाद ये सारा वेजिटेबल्स और सब मसाला को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक दूसरे से एनहांस हो जाए। और ये देखिए ये हमारा बनके रेडी हो गया है मसाला राइस। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पाठक डायरीज। थैंक यू, बाय बाय, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। और सब्सक्राइब करना ना भूले।